तो आज हम बात करने वाले हैं एटर 450X थर्ड जनरेशन के बारे में, जो कि कंपनी ने हाल ही में लॉन्च करी है। क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या रेंज है, क्या स्पीड है, और क्या डिज़ाइन में चेंजेस हुए हैं, क्या कलर में चेंजेस हुए हैं, क्या फीचर्स है, और क्या बैटरी का स्टेटस है, बैटरी की आईपी रेटिंग, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। जो देखते रहिए एंड तक वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज विशाल गुप्ता। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं हम डिजाइन और कलर के बारे में। डिजाइन और कलर में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, जो पुराने मॉडल में थे वही नए मॉडल में। बट एक चीज सॉल्व हो गई है, फुटरेस्ट की प्रॉब्लम, जो कि एटर 450X के पुराने मॉडल में देखने को मिल जाती थी। जो भी थर्ड पर्सन रहता था उसको, मतलब पैर रखने का स्टैंड नहीं था, जो फुटरेस्ट रहता था जो साइड में लगता था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और एथर ने खुद डिजाइन करा है अपना फुटरेस्ट, जैसे नॉर्मल एक्टिवा में होता है वैसा नहीं है, बहुत ही प्यारा दिखता है, बहुत ही क्लासिक भी दिखता है वो फुटरेस्ट। तो अब बात करते हैं हम इसके रेंज और इसके स्पीड के बारे में। तो सेकंड हम बात करते हैं इसके रेंज, स्पीड और मोड के बारे में। अगर हम रेंज के बारे में बात करें, सर्टिफाइड रेंज के बारे में बात करें, 146 किलोमीटर की रेंज आपको देखने को मिल जाती है। बट हम ट्रू रेंज की बात करें तो 105 किलोमीटर की आपको ट्रू रेंज इसमें देखने को मिल जाती है। अगर हम टॉप स्पीड की बात करें तो 80 किलोमीटर की टॉप स्पीड इसमें आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं मोड के बारे में। इसमें चार मोड आपको देखने को मिल जाते हैं, पहला इको, दूसरा राइड एंड तीसरा स्पोर्ट्स, फिर रैप। इको में आपको 105 किलोमीटर की फुल चार्जिंग की रेंज मिल जाती है, राइड में आपको 85 की, और स्पोर्ट्स में आपको 75 की, एंड रैप में आपको 65 की रेंज देखने को मिल जाती है। इसमें रेंज और स्पीड, जो एथर 450X का जो ओल्ड मॉडल था और जो न्यू जनरेशन आई है, कोई भी चेंजेस ज़्यादा नहीं हुए। 20% इंक्रीज करा है रेंज में, और यही ज़्यादातर चेंजेस, बहुत ही लिमिटेड चेंजेस हुए, जैसे कि रेंज में लिमिटेड चेंजेस हुए और बैटरी पैक बड़ा यूज करा है। तो अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट के ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं बैटरी स्टेटस के बारे में। तो थर्ड हम बात करते हैं बैटरी के बारे में। एथर 450X थर्ड जनरेशन में आपको 3.7 किलो वॉट की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि बिगर बैटरी यूज करी है, जो कि इसकी रेंज को और भी सॉलिड बनाती है। अगर हम बैटरी वारंटी की बात करें तो 3 साल की इसमें बैटरी वारंटी मिल जाती है, जो कि एथर 450X के पुराने मॉडल पे भी थी। अगर हम बैटरी आईपी रेटिंग की बात करें तो 67 है, जो कि बेस्ट आईपी रेटिंग होता है, मतलब आप इसको आराम से पानी वगैरह में चला सकते हैं, क्योंकि आईपी रेटिंग 67 बहुत ही हाई क्वालिटी आईपी रेटिंग होती है। अब बात करते हैं हम इसके एडवांस फीचर्स और क्या क्या चेंजेस करें एथर 450X थर्ड जनरेशन में। अगर हम फीचर्स की बात करें तो जो नॉर्मल फीचर्स और भी ईवी स्कूटर्स होते हैं उनमें भी ये है, और एथर 450X में भी ये है, जैसे कॉलिंग एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, प्ले म्यूजिक। बट एथर 450X में एक नया फीचर भी है, स्टोरेज डॉक्यूमेंट, मतलब आप ड्राइविंग लाइसेंस अपना एथर 450X की जो डिस्प्ले होता है उसमें आप स्टोर कर सकते हैं। डिस्प्ले जो एथर 450X की जो पुराने मॉडल में था वो था 1 GB का स्टोरेज दिया जाता था, बट एथर 450X थर्ड जनरेशन में इसको 2 GB का कर दिया है, मतलब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करी गई है स्टोरेज के लिए, मतलब आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के सारे उसमें सेव कर सकते हैं। और इसको आप, इसका एक ऐप भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपकी सारी बैटरी वगैरह मैनेजमेंट सिस्टम, गाड़ी का स्टैटिस्टिक्स पूरा आप उसमें आप देख सकते हैं। अब मैं और चेंजेस की बात करूँ तो सारे चेंजेस तो मैंने बता दिए गए, बट एक चेंज और बाकी है। इनने अपने टायर को भी इम्प्रूव करा है, टायर की ग्रिप को 20% इम्प्रूव करा है, और ब्रेकिंग सिस्टम को भी इम्प्रूव करा है। और स्टोरेज का तो मैं आपको बता चुका है, 1 GB पहले स्टोरेज मिलता था, अब 2 GB हो गया है, जिससे कि ऐप बहुत जल्दी रिस्पॉन्स भी करेंगे। अगर आपको एथर 450X थर्ड जनरेशन की बुकिंग करानी है तो बुकिंग अवेलेबल है, आप करा सकते हैं, और डिलीवरी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिए एंड वीडियो लाइक करें एंड ऑल्सो शेयर।